हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं चिकन कबाबी। ये कबाब के टेस्ट वाला चिकन बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जूसी होता है। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आधा किलो चिकन लिया है, एक चम्मच पोस्ता दाना, एक चम्मच नारियल लेंगे, एक चम्मच काली मिर्च, 7-8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा, एक टुकड़ा जायफल का, थोड़ा सा फूल जावित्री का, 5 छोटी इलायची, एक तजकी लकड़ी का टुकड़ा, थोड़ा सा बादियान का फूल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, 7-8 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा। इन्हें सब काट लेना है और इन मसालों को पीस लेना है। पैन में तेल गरम कर लेंगे। चिकन को हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल धीमी आंच में रखेंगे, चिकन हमारा फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। चिकन फ्राई होना शुरू हो गया है, फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे बंद करके फ्राई करेंगे। चिकन एक तरफ से फ्राई हो गया है, अब इसे पलट देंगे। अब फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे, थोड़ी तेज़ आंच में पकाएंगे। पीसेस को थोड़ा गुलाबी कर लेना है। अब चिकन थोड़ा सा गल भी गया है, अब इसे तेज़ आंच में ही पकाना है, हमें फ्राई करना है। इसका सारा पानी जल जाए और थोड़ा सा कलर भी आ जाए, जैसे कलर आ गया है इसी तरह सारी बोटियों में कलर आ जाए, इतना हमें फ्राई करना है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे और सारा चिकन इसमें से निकाल लेंगे। ये जो मसाला हमने पीसा था, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच नमक। नमक मिर्च आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीला कर लेंगे। अब जिस तेल में हमने चिकन फ्राई किया था उसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे, थोड़ा समझिए भून लेंगे इसे। आंच को धीमा ही रखेंगे, बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे जलने की खुशबू आने लगती है। बस थोड़ा सा भून जाए। थोड़ा सा भून गया है, अब जो हमने मसाले पीसे थे वो मसाले इसी में ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। 2-3 मिनट हमने इसे भून लिया है, इसका तेल ऊपर आने लगा है। अब जो हमने प्याज और हरी मिर्च काटी थी हम इसमें डाल देंगे। अदरक को हमने लच्छेदार काटा था, इसी भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट और पकाएंगे इसे। प्याज वगैरह डालकर हमने 1 मिनट भून लिया है, अब हम चिकन इसी में ऐड कर देंगे और सारे मसाले में चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को चिकन के ऊपर कर दें जिससे चिकन अच्छे से मसाले में कवर हो जाए, अच्छे से खुशबू हर पीस में आ जाए। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोलकर थोड़ा सा भून लेंगे। ये हमारा चिकन कबाबी तैयार है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे दूसरे साइड से भी थोड़ा सा भून लें, पलट के सारे पीसें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लाजवाब तैयार होता है। 1 मिनट हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। चिकन कबाबी तैयार है, गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे तो कबाब में हड्डी बहुत बुरी समझी जाती है, लेकिन इस कबाब की हड्डी आपको बहुत टेस्ट देगी। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धनिया पत्ती और प्याज से गार्निश करें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।